हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस के बारे में कि एक्चुअल में स्क्वाड्रंस होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या फ्लाइट्स होती हैं, क्या क्या उनके अंदर सेक्शंस होते हैं और जो हमारी स्क्वाड्रंस हैं वो किस किस कहाँ कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर्स के अंदर कितनी नंबर्स ऑफ स्क्वाड्रंस को वहाँ पर रखा गया है और जितने भी हमारी एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस हैं ये कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होना ज़रूरी है कि जब हम डिफेंस कैरियर को अपना एज ए कैरियर चुनते हैं या डिफेंस सेक्टर को हम एज ए अपना फ्यूचर चुनते हैं। तो आज हम बात करेंगे पूरी की पूरी स्क्वाड्रंस की डिटेल के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स के बारे में बताया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर उसको क्लिक के देख सकते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस के बारे में। एज यू नो कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो भी इन्फ्लुएंस है रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिश से, यानी यूके की जो हमारी है वहां से इसको इन्फ्लुएंस करके इंडियन एयरफोर्स को एस्टैब्लिश किया गया था। और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ये वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात की जाए तो अगर स्ट्रेंथ के पास के बेस पे बात करते हैं तो वर्ल्ड की नंबर 4 पर आती है, लेकिन अगर जो उसकी अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है वो नंबर 1 की जाती है, क्योंकि जो इनका एक ग्रेविटेशनल बेस पे जो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर अगर हम बात करें फाइटर जेट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे अभी हमारा एक नया इनटेक किया गया है डसॉल्ट राफेल का, हाल तेजस भी काफ़ी नाम का वर्ल्ड वाइड उसका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर है, जो कि उसकी विंग्स हैं या जो उसकी डिज़ाइनिंग है DRDO के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रही है। MiG-21 है, MiG-29 है, Sukhoi Su-30 है, तो ये सारे के सारे किन किन स्क्वाड्रंस के अंदर आते हैं आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में स्क्वाड्रंस होती क्या है। अगर मैं आपकी स्क्वाड्रंस की बात करूं तो स्क्वाड्रंस हमारी क्या होती है, एक यूनिट होती है जिसका जो फॉर्मेशंस होता है वो स्टैटिक लोकेशंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है और एक स्क्वाड्रंस के अंदर आपके पास मिनिमम 18 फाइटर जेट्स तो होते ही हैं और जो स्क्वाड्रंस होती हैं उसको हेडेड किया जाता है बाय कमांडिंग ऑफिसर विद द रैंक ऑफ विंग कमांडर। विंग कमांडर के नाम से आपको मिनंदर का नाम जरूर याद आएगा, तो वो भी हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर ही थे। तो उसके बाद जो कई बार क्या होता है कि जो हमारी स्क्वाड्रंस होती हैं इसके आगे बहुत सारी फॉर्मेशंस होती हैं, चाहे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, फ्लाइट्स होते हैं, तो वो भी किए जाते हैं। जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट्स होती हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सम टाइम उनको जो हेडेड करता है, जो कमांड करता है, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप कैप्टन। अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। स्क्वाड्रन के अंदर ही हमारी एक सब डिवीज़न होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट्स। अब फ्लाइट के को हेडिट कौन करता है, जो फ्लाइट को हेडिट करने वाले के जो कमांड ऑफिसर्स होते हैं उनका रैंक होता है स्क्वाड्रन लीडर। और इस फ्लाइट के अंदर भी हमारे कुछ सेक्शंस होते हैं। अब जो फ्लाइट के अंदर सेक्शंस होते हैं वो क्या चीज़ होती है, सेक्शन अगर आपसे कोई बात करता है या पूछता है तो आप बता सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सेक्शन बोलते हैं और एक सेक्शन की जो कमांड होती है उसको हेड किया जाता है, उसको जो लीड करता है उसको बोलते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और एक सेक्शन के अंदर आपके पास मैक्सिमम 3 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें डे टू डे इस एयरफोर्स इस सेक्शन के बेसिस पर बहुत सारी फ्लाइट्स को टेक ओवर किया जाता है और उसको कमांड के रोल पे किया जाता है। अब इन सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आती है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच का मतलब क्या होता है, जिसमें हम फ्लाई करते हैं, जिसमें आप देखते हो कि डेली बेसिस पर बहुत सारी एयरफोर्स जो होता है ड्रिल्स करता है, जिसमें वो अपने एयरक्राफ्ट को लेके फ्लाई करता है, तो वो सब आपके फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आते हैं। सेकंड आती है हमारी टेक्निकल ब्रांच, जिसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग का टेक ओवर किया जाता है, जिसके मान लो आपकी फ्लाइट्स की सारे पार्ट्स चेक किए जाते हैं, उसके मेक ओवर सारी चीज़ें उसके देखे जाती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसके अंदर आ जाता है। थर्ड आता है हमारा ग्राउंड ब्रांच, जिसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, आपका एजुकेशन हुआ और आपकी मेट्रोलॉजिकल भी इसके अंदर की पाई जाती है। तो अब बात करते हैं हमारे पास स्क्वाड्रंस कितनी है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अगर मैं आपसे डिटेल एक बात करूं तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर अभी तक नंबर ऑफ जो स्क्वाड्रंस हैं वो 33 हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस है, अगर हम अपने आसपास की मिलिट्री एरियाज को देखें या मिलिट्री कंट्रीज को देखते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से जो हमारी नंबर ऑफ ये स्क्वाड्रंस है ये काफ़ी कम है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स को करंटली 42 एयरफोर्स स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट है, जिसको अभी काफ़ी हद तक इंप्रूव किया जा रहा है। तो मैं आज आपसे जो नंबर ऑफ 33 है जो हमारी एयरफोर्स स्क्वाड्रंस है इनकी डिटेल में आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारी नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस आती हैं नंबर वन एयर स्क्वाड्रंस है हमारी, ये हमारी इंडियन एयरफोर्स की सबसे पुरानी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन है, जिसका जो एयरबेस है वो ग्वालियर के अंदर है और इसको नाम दिया गया है टाइगर्स। और ग्वालियर के अंदर ही हमारी नंबर 7 और नंबर 9 जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस आती है वो भी आती है। ये सारी की सारी हमारी
सारी जो थ्री नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस हैं इनके अंदर नंबर ऑफ जो एयरक्राफ्ट्स की अगर बात करूँ वो 18 आते हैं, और ये एक जो है जो इसके अंदर एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं मिराज 2000। तो ये नंबर ऑफ तीन हमारे ग्वालियर्स के अंदर भी ली जाती हैं, यानी टोटल नंबर अगर बात करें तो 54 एयरक्राफ्ट्स हमारे जो हमारी स्क्वाड्रंस आते हैं ग्वालियर के अंदर वहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं। आगे बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट के अंदर नंबर 3, नंबर 26 और नंबर 108 स्क्वाड्रंस आते हैं। नंबर 3 को बोलते हैं कोबराज, नंबर 26 है हमारी वॉरियर्स और नंबर 108 है उसको होकाइज बोलते हैं, और ये यूज़ करती हैं मिग 21 एयरक्राफ्ट्स को। पठानकोट इनका एयरबेस है। नेक्स्ट आती है हमारी अंबाला। कहीं ना कहीं जो अंबाला और पंजाब है, ये जो इंडियन एयरफोर्स की लोकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था तो यहीं से आपके जो अंबाला एयरबेस से भी कुछ जो मिराज आपके एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी यहाँ से फ्लाइंग की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अब इसका नाम भी आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नए एयरक्राफ्ट आए हैं जिसको राफेल बोला जाता है वो भी यहाँ पर एटैब्लिश किए गए हैं। तो अंबाला के अंदर नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 17 यहाँ पर एटैब्लिश किया गया है। नंबर 5 को टकर्स बोलते हैं, नंबर 14 आपका बुल्स के नाम से जाना जाता है, और नंबर 17 जो काफ़ी फेमस रहा है गोल्डन एरो। नंबर जो 17 स्क्वाड्रंस है इसको कुछ साल पहले डिसमिस कर दिया गया था, बट जब हमने राफेल को इनटेक किया तो दोबारा इसको रीस्ट्रक्चर किया गया 11 सितंबर 2019 को, और इसमें राफेल्स को रखा गया है। और जो नंबर 5 और नंबर 14 है इसके अंदर जगुआर को रखा गया है। नंबर 4 आता है हमारा हलवाड़ा पंजाब, इसमें नंबर 220 और 221 को एस्टैब्लिश किया गया है, और ये जो हमारा है जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई SU-30 MKI मार्क 1 के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम अनंतपुर पंजाब की बात करते हैं, जिसमें नंबर 47 और नंबर 223 को रखा गया है, और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट चूज़ किए गए हैं वो हमारे MiG-29। पैरेलली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली, इसमें आता है हमारा बरेली जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर नंबर 8 और नंबर 24 को रखा गया है, और इसको इक्विप किया गया है सुखोई SU-30 MKI मार्क 1 एयरक्राफ्ट के साथ। पैरेलली आगे बढ़ते हैं गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नंबर 16 नंबर 27 को रखा गया है, और इसमें हम जगुआर IS और जगुआर IB फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं सिरसा। सिरसा हमारा हरियाणा के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर नंबर 21 और 15 को रखा गया है, और जो नंबर 21 है इसको एटैब्लिश किया गया है, ये इक्विप्ड विद फोलेंड जॉइंट सबसोनिक एक फाइटर जेट है जो यहाँ पर रखे गए हैं, और नंबर 15 के अंदर फाइटर जेट्स कोई SU-30 MKI के साथ यहाँ पर एटैब्लिशमेंट की गई है। आगे बढ़ते हैं पैरेलली और बात करते हैं हमारा सूरतगढ़ जो राजस्थान में है, यहाँ पर नंबर 23 को रखा गया है हमारी जो स्क्वाड्रंस है, और इसका नाम दिया गया है पैंथर्स का, और इसके अंदर आता है MiG-29 बाइसन, इसमें जो MiG-21 बाइसन है स्पेशली इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। जोधपुर राजस्थान नंबर 31 और नंबर 32, नंबर 31 को लॉयंस का नाम दिया गया है, और जो नंबर 32 है इसको थंडरबर्ड्स का नाम दिया गया है, और ये दोनों के दोनों जो एस्टैब्लिशमेंट की गई है सुखोई SU-30 मार्क 1 के साथ यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की गई है। पैरेलली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात के अंदर नंबर 6, नंबर 28 और नंबर 224 यानी 224, और इसके भी इसके अंदर हम जगुआर IM और IS का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और जो हमारा नंबर 24 है इसके अंदर हम जगुआर को इस्तेमाल करते हैं। इसको जो नंबर 24 है हमारा 224 है इसको भी 2008-07 के अंदर डिसमिस कर दिया गया था, बट 2008 के अंदर दोबारा इसको रीटैब्लिशमेंट किया गया है, और जगुआर ड्रीम 2 के साथ इसको इसमें अंदर फाइटर जेट्स इसके अंदर रखे गए हैं। पैरेलली आगे बात करते हैं पुणे महाराष्ट्र की, इसमें नंबर 20 और नंबर 30 को रखा गया है, नंबर 20 को लाइटनिंग्स और नंबर 30 को राइनो नाम दिया गया है स्क्वाड्रंस को, और ये भी हमारे सुखोई SU-30 MKI के साथ इक्विप्ड हैं। आगे बात करते हैं सुल्लोर, नंबर 18 और नंबर 45 इसमें इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर रखा गया है हाल तेजस को। हाल तेजस हमारा एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है DRDO के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने ये बोला था कि इंडिया के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपना खुद का एक फाइटर प्लेन बना सके, तो हाल तेजस को बनाने के बाद इंडिया की जो हमारी एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग है उसने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि इंडिया अब उन चुनिंदा कंट्रीज़ के अंदर आते हैं जिनके पास खुद का एक फाइटर जेट हो, और हाल जो तेजस है इसने बहुत नाम कमाया है क्योंकि जो इसकी शेप और डिज़ाइनिंग है वो कहीं ना कहीं एक जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल करती है, और जो हमारे फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बोला है कि जो हाल तेजस है ये अगर वार टाइम के अंदर ही सबसे ज़्यादा
फ़ायदेमंद और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड एयरक्राफ्ट को माना गया है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अब इस होड़ में है कि वो बहुत ही जल्दी हमारे हाउ तेजस को भी परचेज करना चाहते हैं। और रिसेंटली जो बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल थे वो भी इंडिया आए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक इंटरेस्ट दिखाया हाल तेजस को परचेज करने के लिए। बात करते हैं, आगे चलते हैं आपके तंजावुर, जो आपका यहाँ पर लास्ट जो हमारी आती है 222, इसको रखा गया है और ये भी हमारी सुखोई SU-30 MKI के साथ एस्टैब्लिशमेंट की गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ये हमारे नंबर ऑफ 33 एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अंदर कौन कौन से हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इनका एयरबेस है। और ये कहीं ना कहीं आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एयरफोर्स को अपना कैरियर चुनते हो। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स के बारे में बताया था, आज मैंने आपके साथ एयरफोर्स के स्क्वाड्रंस के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट टाइम आपको नेवी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी टाइम टू टाइम आपको हम हर नोटिफिकेशन, हर मिलिट्री के हर एक चीज़ के बारे में बताएं जो आपको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में जाके हेल्प आउट करेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं और इस तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।